ओके, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। व्यूअर्स, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज शाय। शाय जो है इट हैज़ टू मीनिंग्स, इसके दो मीनिंग्स होते हैं। एक होता है शाय मीन्स शर्मीला, दैट इज़ अ नो एक्शन, दैट इज़ अ क्वालिटी, राइट। और एक शाय जो है दैट इज़ अ एक्शन, वो एक्शन है, उसका मीनिंग होता है शर्माना, राइट। तो शाय इज़ अ नो एक्शन एज वेल एज अ एक्शन। शाय जो है वो एक नो एक्शन भी है और एक एक्शन भी है, राइट। जैसे हम किसी से पूछना, अगर हमें किसी से पूछना है जी क्या आप शर्मीले हैं, तो कैसे पूछेंगे, आर यू शाय। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आर से क्यों आया, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नो एक्शन, हम नो एक्शन की बात कर रहे हैं, शर्मीले इंसान की बात कर रहे हैं, राइट। तो दैट इज़ अ क्वालिटी। तो नो एक्शन की बात अगर हम प्रेजेंट में करते हैं तो हमें इसे मात्रा सारा लेना पड़ता है, तो हमारा क्वेश्चन बन गया आर यू शाय, क्या आप शर्मीले हैं, राइट। अब मैंने बोल दिया हाँ जी मैं शर्मीला हूँ, तो क्या बोलेंगे, येस आई एम शाय, राइट। और अगर मुझे मना करना है तो मैं क्या बोलूँगा, नो आई एम नॉट शाय, यानी कि इसे मार्क के साथ मैं नॉट लगा दूंगा। लेकिन इसी शाय को अगर हम एज अ एक्शन यूज करें, राइट, भी क्या आपको शर्म आती है, क्या आप शर्माते हैं, तो इसका आएगा डू यू शाय। क्या आएगा इसका, इस क्वेश्चन को पूछेंगे डू यू शाय। मैंने बोला जी आमतौर पर मैं नहीं शर्माता, यूजुअली आई डोंट शाय, आमतौर पर आई डोंट शाय, बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी आई शाय, मैं शर्माता हूँ। क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम शाय के साथ अवे लगा देंगे तो हमारा वर्ड, हमारा जो एक्शन बन जाएगा शाय अवे। शाय अवे का मतलब होता है किसी चीज से दूर भागना। जैसे मैंने क्वेश्चन पुट किया जी क्या आप काम से दूर भागते हो, मतलब क्या आप जो है कोई भी काम अगर आपको दे दें तो आप उससे बचने की कोशिश करते हैं, तो इसको क्वेश्चन को कैसे पूछेंगे। अब रूटीन का एक्शन है तो डू यू एक्शन फार्मूला, सो ड्यू शाय अवे, क्या बोलेंगे, ड्यू शाय अवे फ्रॉम वर्क, क्या आप काम से जी चुराते हैं, तो इस बात को कैसे पूछेंगे, ड्यू शाय अवे फ्रॉम वर्क। अब मैंने बोला जी मैं कभी भी जी नहीं चुराता, आई नेवर शाय अवे फ्रॉम वर्क, नेवर लिखना है लेकिन बोलना है इसको नेवर, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई नेवर शाय अवे फ्रॉम वर्क, मैं कभी भी काम से जी नहीं चुराता, बिकॉज आई एम लेबोरियस, क्योंकि मैं कौन हूँ, मेहनती हूँ, राइट। लेबोरियस मीन्स मेहनती, जिसे हम हार्ड वर्किंग भी बोलते हैं, तो यहाँ पर आप आई एम हार्ड वर्किंग भी बोल सकते हैं और आई एम लेबोरियस भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर यू शाइंग अवे, राइट, आप क्यों जी चुरा रहे हैं, आप क्यों दूर भाग रहे हैं, वाई आर यू शाइंग अवे, आप क्यों जी चुरा रहे हैं फ्रॉम स्वेटिंग आउट, स्वेटिंग आउट का मतलब कड़ी मेहनत करने से, कड़ी मेहनत करने से आप क्यों भाग रहे हैं, आप क्यों पीछे हो रहे हैं, आप क्यों जी चुरा रहे हैं, इस बात को कैसे पूछेंगे, वाई आर यू शाइंग अवे फ्रॉम स्वेटिंग आउट, राइट। या आप मेरे सवालों का जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं, तो वाई आर यू शाइंग अवे फ्रॉम आंसरिंग माई क्वेश्चंस, क्या बनेगा, Why are you shying away from answering my questions? आप मेरे सवालों का जवाब देने से क्यों जी चुरा रहे हैं या क्यों भाग रहे हैं, राइट? इसी तरह से हमने एक वर्ड लिया कैमरा शाय, एक वर्ड है कैमरा शाय, यानी कि आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही अच्छे भले नॉर्मल लाइफ के अंदर होंगे, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर कैमरा डलेगा तो वो क्या करेंगे, अपने हाथ को ऐसे कर लेंगे, ऐसे करेंगे, पीछे भागेंगे, यानी कि कैमरे के सामने आने से कतराते हैं, राइट। यानी कि कैमरे के सामने आने का उनका मन नहीं होता, वो कैमरे से दूर भागते हैं, सो दैट्स व्हाई दे पीपल आर नोन एज कैमरा शाय, इसीलिए उन लोगों को क्या बोला जाता है, कैमरा शाय। तो क्या आप कैमरे से दूर भागते हैं, तो आर यू कैमरा शाय, मैंने कहा नहीं, नो आई एम नॉट कैमरा शाय, मैं कैमरा शाय नहीं हूँ, बिकॉज आई हैव गट फोटोजेनिक फेस। अब फोटोजेनिक फेस का मतलब क्या होता है, फोटोजेनिक फेस का मतलब है कि मेरी फोटो जो है वो अच्छी आती है,
जिस बंदे की फोटो अच्छी आती है, कई लोगों का चेहरा चाहे अच्छा हो या ना हो लेकिन फोटो में वो बहुत जबरदस्त दिखते हैं, बिकॉज दे हैव फोटोजेनिक फेस, बिकॉज दे हैव फोटोजेनिक फेस। तो मैंने क्या लिखा कि मैं कैमरा शाय नहीं हूं क्योंकि जो मेरा फेस है वो फोटोजेनिक फेस है, मेरी फोटो अच्छी आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हैज शी गॉट फोटोजेनिक फेस, क्या उसका पास जो है वो फोटोजेनिक फेस है, इट मीन्स क्या उसका चेहरा ऐसा है कि उसकी फोटो अच्छी आती है। तो क्या पूछेंगे, हैज शी गॉट फोटोजेनिक फेस। अब मैंने कहा यस शी हैज गॉट फोटोजेनिक फेस, उसका जो फेस है वो फोटोजेनिक है, दैट्स वाई, इसीलिए शी इज कैमरा कॉन्शियस। वो कौन है, कैमरा कॉन्शियस। अब कैमरा कॉन्शियस का मीनिंग क्या होता है, यानी कि जो लोग कैमरे को देखकर कॉन्शियस हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, राइट। पहले तो दबा दब पार्टी के अंदर खा रहे हैं, खा रहे हैं दबा दब, फटा फटाफट जो भी आ रहा है खा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मूवी का कैमरा आएगा तो बड़े स्टाइल से एक चम्मच लिया, उसको मुंह में डाला, तो मैं कह रही थी ऐसे हुआ, तो क्या हो गया, वो लोग दे पीपल आर नोन एज कैमरा कॉन्शियस, यानी कि जो कैमरे के सामने आते ही उनकी एक्टिविटीज में बदलाव आ जाता है, उनकी एक्टिविटीज जो है वो इम्प्रेशन देने वाली हो जाती है, सो उनको हम बोलते हैं दे पीपल आर नोन एज कैमरा कॉन्शियस, राइट। तो शी इज कैमरा कॉन्शियस, यानी कि वो कैमरे को देखते ही सचेत हो जाती है। तो कॉन्शियस का मीनिंग भी यहाँ पर मैंने बता दिया, जरूरत से ज्यादा ध्यान जब हम देते हैं किसी भी चीज पर तो उसे कॉन्शियस बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने एक और दिया हुआ है, शी इज ब्यूटी कॉन्शियस टू। वो जो है कैमरा कॉन्शियस तो है ही है, कैमरे के सामने जो है उसकी एक्टिविटी जो है बहुत सिलेक्टिव सी हो जाती है, इसी तरह से वो ब्यूटी कॉन्शियस भी है, टाइम टू टाइम वो पार्लर भी जाती है और टाइम टू टाइम जो है वो अपने घर में भी जो भी अपनी ब्यूटी को लेकर उसने अपना ध्यान रखना है वो पूरा ध्यान देती है, तो उन लोगों को बोलते हैं ब्यूटी कॉन्शियस, राइट। इसी तरह से मैंने कुछ और शाय के रिगार्डिंग वर्ड्स दिए हैं, सम पीपल आर वर्क शाय, सम पीपल आर वर्क शाय, वर्क शाय का मतलब होता है काम चोर, मीन्स दे शाय अवे फ्रॉम द वर्क, वो काम से दूर भागते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, वर्क शाय। सो सम पीपल आर वर्क शाय, कुछ लोग जो होते हैं वो काम चोर होते हैं, वाइल अदर्स आर लेबोरियस, जबकि दूसरे लोग कौन होते हैं, मेहनती होते हैं, राइट। तो वर्क शाय का मीनिंग समझ में आ गया, जो बंदा किसी भी चीज से भागता है उसको हम उसके साथ शाय लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, शाय। कुछ लोग जो है वो बहुत कम बोलते हैं, दे पीपल आर नोन एज स्पीकिंग शाय, राइट। कुछ लोगों को पढ़ाई जितनी मर्जी करवा लो, याद जितना मर्जी करवा लो, लेकिन लिखने में उनको बीमारी पड़ती है, राइट, दे पीपल आर राइटिंग शाय, राइट, दे पीपल आर नोन एज राइटिंग शाय। सो इसी तरह से मैंने एक और एग्जाम्पल दिया है, नाउ अडेज, आजकल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टडी शाय, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई से दूर भागते हैं, इसे दैट्स वाई दे आर नोन एज स्टडी शाय, राइट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टडी शाय, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टडी शाय होते हैं, दे डोंट वॉन्ट टू स्टडी, वो पढ़ाई नहीं करना चाहते, बट वर्क हार्ड इन यूजिंग अनफेयर मीन्स इन एग्जाम्स, बट वर्क हार्ड, लेकिन काफी मेहनत करते हैं इन यूजिंग अनफेयर मीन्स इन एग्जाम्स, एग्जाम्स के अंदर जो पर्चियां यूज करनी होती हैं उसकी तैयारी करने में वो काफी मेहनत करते हैं, राइट। तो जो लोग काम से जी चुराते हैं दे पीपल आर नोन एज वर्क शाय, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई से जी चुराते हैं दे पीपल आर नो दे स्टूडेंट्स आर नोन एज स्टडी शाय, जो कम बोलते हैं मतलब लोगों से मिक्सअप बहुत कम होते हैं दे पीपल आर स्पीकिंग शाय, कुछ को लिखने से घबराहट होती है अभी लिखना पड़ेगा अब दे पीपल आर नोन एज राइटिंग शाय। तो इस वर्ड को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, जो लोग कैमरे के सामने आने से जी कतराते हैं दे पीपल आर नोन एज कैमरा शाय, और जो लोग जो है वो कैमरे के सामने आकर उनकी जो एक्टिविटी है वो बहुत सिलेक्टिव हो जाती है, खुद का इम्प्रेशन शो करने की कोशिश करते हैं दे पीपल आर नोन एज कैमरा कॉन्शियस, राइट। सो आई होप भी आपको शाय से रिलेटेड जो है, चाहे वो नो एक्शन है चाहे वो एक्शन है, आपको काफ़ी बातें क्लियर हुई होंगी। सो
So I hope you all will watch this video and you will get the benefit. And once again, I would like to request you that if you haven't subscribed my channel till now, please subscribe and share it to your near and dear ones so that everybody will get the benefit of all these useful informations. So thank you so much.